स्वागत है आप सभी का फोटो यात्री चैनल में। आज हम चलेंगे तीज माता की सवारी को कवर करने। ये तीज माता की सवारी 400 किलो चांदी के पालकी पर सवार होगी और निकलेगी त्रिपोलिया गेट से। यहाँ सबसे पहले चीनी की बुर्ज वाली जगह पर इनकी आरती उतारी जाएगी। जो 296 साल पुरानी परंपरा थी उसको बदल दिया जाएगा आज से, और यहाँ से ये यात्रा शुरू होकर छोटी चौपड़ होते हुए आगे बढ़ेगी। हम इसी लवाजमे को कवर करेंगे और साथ ही कैप्चर करेंगे बहुत सारी सुंदर तस्वीरों को। तो बने रहिए इस यात्रा के साथ और देखिए कि हम किस तरीके से इस भव्य और रंगीन कार्यक्रम को कवर करते हैं, सुंदर तस्वीरों को लेते हैं। और अगर आपको ये यात्रा पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी हम हैं यहाँ त्रिपोलिया गेट पर और यहाँ लवाजमे को एकदम सलीकेवार तरीके से रख दिया गया है और इन सब की बारी के अनुसार ही इन लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी बीच लोक कलाकार अपने अपने प्रदर्शनों को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए और सुनाते हुए भी दिख रहे हैं। ऊँट की सवारी पर लोग अपने अपने साजो सामान को सेट करने में लगे हुए हैं और इसी बीच हम इन सबको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुंदर तस्वीरें हमें मिल रही हैं, उसको भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। चलिए अब हम वेट कर रहे हैं सिटी पैलेस के हिजाइनर्स का, जो कि कुछ ही देर में यहाँ पधारने वाले हैं। ये यहाँ आ चुके हैं और अब तीज माता की सवारी का विधिवत आरंभ यहाँ से हो जाएगा। ये त्रिपोलिया गेट है जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं और ये एक ऐसी ख़ास जगह है जहाँ से आम पब्लिक को गुज़रने नहीं दिया जाता, लेकिन आज के दिन यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और इस गेट के नीचे से हम निकल रहे हैं। ये बहुत कम समय होता है जब त्रिपोलिया गेट के नीचे से लोगों को जाने दिया जाता है और आज उन्हीं में से एक ख़ास दिन है और आज हम कवर करेंगे इस तीज माता की सवारी को जो यहाँ से निकलने वाली है अभी कुछ ही देर में। तो ये देखिए कार्यक्रम का शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले कच्ची घोड़ी का डांस यहाँ पर किया जा रहा है और ये अपने चिरपरिचित अंदाज में इसी तरीके से लोगों का मन मोह रहे हैं और सारे फोटोग्राफर्स इस प्रस्तुति को यहाँ पर कवर करने में लगे हुए हैं। इसके बाद बारी आती है गैर डांस की और यहाँ पर गैर डांस के कलाकार भी अपनी अपनी प्रस्तुति देकर जा रहे हैं। इसके बाद मयूर नृत्य और ऊँटों पर सवार ये मयूर नृत्य, उसके पीछे पीछे यहाँ पर सैनाई वादन। जब भी राजस्थानी कला की बात होती है तो कालबेलिया नृत्य को हम भूल नहीं सकते और यहाँ पर भी कालबेलिया नृत्य का प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और यहीं पर हमारी बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें भी बन रही हैं। कालबेलिया नृत्य एक तरीके से सपेरोनों का डांस है, इसमें ढोल और बीन का भी प्रयोग किया जाता है।
फिर इसके बाद शाही सवारी के रूप में इस तरह के हाथियों के बहुत सारे जोड़े यहाँ से निकलते थे, लेकिन अब सिंबॉलिक रूप में एक ही हाथी यहाँ पर निकलता है और उसी को शाही सवारी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। इस तीज की सवारी को कवर करने, देखने और माता के दर्शन करने के लिए बहुत सारे हजारों की भीड़ जो है वो रोड के दोनों तरफ। जब तक माता की सवारी निकल नहीं जाती, सब लोग इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी सवारी आए और उनके हम दर्शन करें। जब लोग दर्शन करते हैं तो साथ ही साथ अपने कुछ सिक्के पैसे भी वो माता की तरफ फेंकते हैं। वो मन्नत मांगते हैं कि जिस तरीके से हम आपके दर्शन कर चुके हैं और हमारी जो भेंट है वो आपको स्वीकार करें और हमारी मन्नत को पूरी करें। इसलिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि माता की सवारी निकले और उन पर ये सिक्के चढ़ा सकें। माता की सवारी से पहले कई बैंड और अलग अलग तरह के धुने प्रस्तुत करने के लिए ये सभी अलग अलग बैंड यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ऊँट की सवारी आती है जिसमें 6 से 8 ऊँट होते हैं और उनके ऊपर ये राजपूती ड्रेस में लोग होते हैं, अपने साथ तलवारें लेकर आते हैं और अलग अलग कर्तव्य यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस भी आसपास ही था तो यहाँ पर तिरंगों का रंग भी इस तीज माता की सवारी में दिखाई देता है। अब तीज माता की सवारी बाहर आ चुकी है त्रिपलिया गेट से। इस जगह पर शाही तरीके से इनकी पूजा की जाएगी, इनकी आराधना की जाएगी और यहाँ पर आरती उतारी जाएगी इनकी, और इसके बाद विधिवत रूप से यहाँ से माता की सवारी आगे की ओर प्रस्थान करेगी। अब माता की सवारी त्रिपलिया गेट से आरंभ हो चुकी है और ये घूमकर अब छोटी चौपड़ की तरफ जा रही है, और इसी बीच हजारों लोग जो काफ़ी देर से इनके दर्शन के लिए खड़े थे वो अब यहाँ पर इनके दर्शन कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग किस तरीके से अपने मोबाइल में, अपने कैमरों में माता की सवारी को कवर करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये सभी लोग सिक्के भी उछाल कर उनकी तरफ फेंक रहे हैं जिससे उनकी मनोकामना और इच्छाएं जो हैं वो भी माता पूरी करें। राजस्थान टूरिज्म की तरफ से भी यहाँ पर एक विशेष प्रबंध किया जाता है, टेंट लगाकर विदेशी सैलानियों को एक विशेष जगह दी जाती है जहाँ से वो माता की सवारी को आराम से देख सकें। ये हर साल यहाँ पर 2 दिन के लिए ये सवारी आयोजित होती है और दोनों दिन यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था होती है। पहली दिन की जो सवारी है उसको तीज माता की सवारी कहते हैं, तो वहीं दूसरे दिन की सवारी को बूढ़ी तीज माता की सवारी कहते हैं, और दोनों दिन
सब कुछ सेम होता है, जिस तरीके से आज लवाजमा निकला है उसी तरीके से सेकंड डे भी निकलता है। माता की सवारी जिस प्रकार आज निकली है उसी प्रकार अगले दिन भी निकलती है। बस फ़र्क इतना होता है कि पहले दिन को हम तीज माता कहते हैं और दूसरे दिन को हम बूढ़ी तीज माता के रूप में जानते हैं। और ये सवारी ठीक उसी तरीके से त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर फिर छोटी चौपड़ होते ही आगे बढ़ती है। इसी तरीके से हमने आज कवर किया है तीज माता की सवारी को और त्रिपोलिया से होते हुए हम छोटी चौपड़ तक इसको कवर करते हुए आए हैं। और इसी बीच में हमने बहुत सारी अच्छी तस्वीरों को कवर किया लिया है और उन सबको आपके सामने शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को आज की यात्रा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।